15 अप्रैल को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के इंटेलिजेंस यूनिट के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि रामदेव जो टॉप नक्सल कमांडो है उनकी बीवी ललिता और शंकर राव जिनके सर पे 25 लाख का इनाम गवर्नमेंट ने घोषणा की है वो दोनों के मूवमेंट पता चलते हैं कांकेर की छोटी बेटिया पुलिस स्टेशन के कुछ ही किलोमीटर दूर और इस इन्फॉर्मेशन के बाद शुरू होता है एक ऐसा ऑपरेशन जो अपने आप में इतिहास रच देता है। नमस्कार, जय जोहार, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और आज मैं आपको इसी के इनसाइड स्टोरी लेकर आई हूँ कि किस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट आती है 15 अप्रैल को और 16 अप्रैल को फिर एक जॉइंट ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी बनती है और पीएसएफ और डीआरजी के जवान निकल पड़ते हैं, डीआरजी के कई कंपनीज निकल पड़ते हैं इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। दोपहर 1 बजे वो जाते हैं कांकेर के घने जंगलों में और ये ऑपरेशन जो होता है छोटे बेटिया पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में, बहुत ही ऐसे घने जंगलों में जहां जो आज तक एक्सेस नहीं किया हो किसी भी पुलिस फोर्स ने या सिक्योरिटी फोर्स ने, मतलब इनएक्सेसिबल ऐसे एरिया में कल्याण नलसला की लीडरशिप में और बस्तर आईजी पी सुंदरराज की लीडरशिप में एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जो अब तक का छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन है। इनफैक्ट इसमें जो नंबर अचीव किया गया है वो है 29, यानी कि टोटल 29 नक्सल कमांडोज को एलिमिनेट किया गया है और इसमें जो रिकवरी भी की गई है आर्म्स एंड अमिनेशंस की वो भी अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आर्म्स एंड अमिनेशंस भी रिकवर किए गए, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि लक्ष्मण केवट जो इंडिया के और छत्तीसगढ़ पुलिस के सबसे बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे डीआरजी की तरफ से, छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से, और उस ऑपरेशन में वो जाते हैं और 29 नक्सल्स को एलिमिनेट करके आते हैं। उनकी लीडरशिप इतनी खास रही कि 6 नेशनल अवार्ड्स जो उनको मिले हैं उसको जस्टिफाई तो करती है लेकिन एक और नेशनल अवार्ड के लिए उन्हें नॉमिनेट भी साथ साथ करवा देती है। लक्ष्मण केवट से भी हमने एक्सक्लूसिवली बात की और इनफैक्ट उनसे एक्सक्लूसिवली जब हमने बात की तो ऑफ द रिकॉर्ड भी हमें उन्होंने कई सारे इंफॉर्मेशन दिए जो मैं आप सबके सामने डाइवर्ज करूंगी। इनपुट आया 15 तारीख को, उसके बाद देर रात बैठ के बीएसएफ और डीआरजी के फोर्सेस ने स्ट्रेटेजाइज किया और बस्तर फाइटर्स के कुछ जवानों को भी वो लेके गए और बिल्कुल ये जॉइंट ऑपरेशन की स्ट्रेटेजी बनी और 16 तारीख को डिसाइड किया गया कि बिल्कुल सनलाइट में, यानी कि सनसेट से बहुत घंटे पहले इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया अंजाम दिया जाएगा। 1 बजे वो निकल जाते हैं घने जंगलों में, छोटी बेटिया पुलिस स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर दूर जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें गन शॉट्स की आवाज आती है और गन शॉट्स के साथ साथ फायर काफी सारे बॉम्ब्स भी उन पर फायर किए जाते हैं और ये क्रॉस फायरिंग में वार्निंग दी जाती है नक्सल फोर्सेस को कि आप सरेंडर कर दीजिए या तो फिर आप क्रॉस फायरिंग के लिए तैयार हो जाइए। और उसके बावजूद जब कोई मूवमेंट नहीं होती है तो क्रॉस फायरिंग शुरू होती है और उस क्रॉस फायरिंग में 29 नक्सल लोगों की डेथ हो जाती है। और फिर जब आगे कॉर्डन ऑफ करने के लिए जब निकलते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस तब पता चलता है कि किस तरह से 29 डेड बॉडीज रिकवर होती हैं और वो अब तक की सबसे बड़ी टैली बन जाती है। लक्ष्मण केवट इसमें एक मैन ऑफ द आवर बन के उभरे लेकिन ये जो जॉइंट ऑपरेशन था ये बहुत सक्सेसफुल रहा क्योंकि आर्म्स एंड अमिनेशंस की रिकवरी भी अपने आप में बहुत खास थी। 303 कार्बाइन, AK-47, इंसास जिसे इंडियन आर्म्स सिस्टम भी कहा जाता है, इंडियन आर्म्स सिस्टम, और उसके अलावा अगर आप देखें तो SLR सेल्फ लोडिंग राइफल, ये सारे ऑटोमेटिक गन्स थे जो रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा भी राशन, मेडिसिन और बहुत ही एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए गए हैं। ये पहली बार इतना ज्यादा रिकवरी हो पाई है और उसके अलावा आईडी यानी कि इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस को बनाने के सारे जो लगते हैं डिवाइसेस और सारे जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो सारी चीज़ें भी रिकवर हुई है। आईडी डिवाइसेस रिकवर हुई हैं और इनफैक्ट मेडिसिन काफ़ी सारे रिकवर हुई हैं और वो कैसे, जिस तरह से वो एक मूवमेंट के लिए, लंबे मूवमेंट के लिए तैयार थे, इनपुट इसी चीज़ का था कि लोकसभा इलेक्शन में अच्छी खासी क्षति करनी है सिक्योरिटी फोर्सेज की और उसी इनपुट पर जब ये ऑपरेशन होता है तो सबसे बड़ा ऑपरेशन बन जाता है। तो रिकवरी भी जो हुई है वो आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जब डिस्प्ले पे सिक्योरिटी फोर्सेज और छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसे रखा तब हमें पता चला कि किस तरह से AK-47 और कार्बाइन और 9mm सर्विस पिस्टल भी मिली। ये सारी ऐसे आर्म्स एंड अमिनेशंस हैं जो बड़े बड़े टॉप टियर के कमांडोज ही यूज करते हैं और वो जब यूज करते हैं तो इसी का एहसास लग जाता है कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था और नक्सल फोर्सेस भी कहीं ना कहीं अच्छी बड़ी तैयारी से ही निकले थे। 4 घंटे ये मुठभेड़ चलती है और 4 घंटे मुठभेड़ चलने के बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेज वापस आते हैं धीरे धीरे उनके डेड बॉडीज को भी रातों रात
बाद कांकेर में शिफ्ट कर दिया जाता है, और कांकेर शिफ्ट करने के बाद अभी फिलहाल उनके पोस्टमार्टम चल रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन चल रही है। शंकर राव और ललिता के अलावा कौन कौन से ऐसे लोग थे जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, इसकी जानकारी की इंक्वायरी अभी चल रही है। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी हम छत्तीसगढ़ तक पर आपको जरूर अपडेट कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुमित पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ तक के लिए।